Hi to everyone and welcome back to my channel Saints Nest. मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और इस कोविड के सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखे हैं। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे जितने भी जन ज्वेलरीज है वो सब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस कोविड की सिचुएशन में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये सब जो ज्वेलरी है वो अलमारी में बंद होके पूरे जंग लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस सबको निकाल के एक बार देख भी लिया जाए और आप सबसे शेयर भी कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं मेरे पास क्या क्या जंक ज्वेलरीज है। शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर और एनकरेज करता है। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और फेसबुक पेज है सेम्स नेस्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिंग्स दिखा देती हूँ। जो मेरे पास ज़्यादा रिंग्स है नहीं, 3 रिंग्स है, उसे मैं आपको दिखा देती हूँ। रिंग्स के बाद मैं इयर रिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जो जिसके मैचिंग नेकलेसेस नहीं है, सिर्फ इयर रिंग्स है वो शेयर करती हूँ। उसमें से एक है ये वाला, मुझे बहुत पसंद है ये। द नेक्स्ट है ये वाला। ये कोई भी कलर के ड्रेस के साथ है, ये बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसे ये ब्लैक कुर्ती के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा हैवी है ये वेट में। ये सारी ज्वेलरीज मैंने कोलकाता से ही परचेज किया है। नेक्स्ट ईयर रिंग ये वाला है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये भी हर एक कलर की ड्रेस के साथ ही ये बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज ये वाला। इसे मांग टीका के जैसे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इयर रिंग्स है ये वाला, चांद बाली। द नेक्स्ट इयर रिंग्स है ये वाला। इसे आप पार्टीज में पहन सकते हैं। ये वाला देखिए, पीकॉक बना हुआ है, ये मेरा फेवरेट है। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये बैंगल ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर बैंगल। अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जितने भी मेरे नेक पीसेस हैं, ऑक्सीडाइज्ड नेक पीसेस विद इयर रिंग्स, वो मैं आपसे एक एक करके शेयर करती हूँ। ये वाला सेट देखिए, इसमें से एक लटकन कहीं गिर गया है। ये मैंने शांति निकेतन से परचेज किया था और इसके साथ ये मैचिंग इयर रिंग्स,
ये मेरे बहुत ही फेवरेट है नेक पीस। ये और एक नेक पीस है, ये जर्मन सिल्वर, ऑक्सीडाइज जर्मन सिल्वर नेक पीस ब्लैक में। ये ब्लू एंड ग्रीन में, ये देखिए इसका पेंडेंट। ये वाला देखिए, इसमें कोड़ी लगा हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, इसे कोड़ी बोलते हैं बंगाली में। और इसके साथ है ये पेंडेंट और ब्लैक बीड्स एंड रेड बीड्स। ये वाला देखिए येलो। इसके साथ ये इयर रिंग्स है। ये वाला देखिए, इसमें माँ दुर्गा का फेस बना हुआ है। ये वाला मेरा बहुत फेवरेट है ये नेक पीस। सारे ही मेरे फेवरेट्स हैं, तभी मैंने इसे परचेज किया है। सारे मैंने ज़्यादातर कैलकटा से परचेज किया है, और कहीं भी इधर उधर घूमने गई तो फिर वहाँ से मैंने परचेज किया है। शांति निकेतन, दिल्ली, या कहीं भी कुछ भी अच्छा दिख गया तो मैं परचेज कर लेती हूँ। ये और एक है जिसमें सन बना हुआ है, और ये बीड्स, ये भी काफ़ी मेरे फेवरेट हैं। ये एक है एकदम छोटा सा मल्टी कलर। ये एक चोकर है। ये बहुत ही लाइट वेट एक नेक पीस है, देख के बहुत हैवी लगता है बट इसका वेट काफी लाइट है। ये और एक नेक पीस है, बहुत ही सुंदर है, मल्टी कलर। पिंक कलर का पेंडेंट्स ऑक्सीडाइज्ड है, बाकी ये थ्रेड है। एक डोकरा पेंडेंट है मेरे पास, और साथ में कोड़ी। इसके साथ भी कोड़ी वाला इयर रिंग्स है। और एक है मेरे पास ये मिरर वर्क वाला एक नेक पीस, बहुत ही सुंदर है ब्लैक में। मल्टी कलर के साथ ये वाला इयर रिंग्स। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीट्स वाले सारे नेक पीसेस। ये है मेरे पास एक ब्लू कलर के बीट्स वाले, काफी सुंदर लगते हैं। इसका ग्लेज देखिए। एक बॉटल ग्रीन कलर का नेक पीस। इसके साथ इयररिंग्स भी हैं मैचिंग। ये वाला देखिए कितना सुंदर है। इसके साथ इयर रिंग्स भी है। ये देखिए, ये
बंजारा लोग जो बैठते हैं ना रोड के साइड में फुटपाथ पे, उनसे मैंने परचेज किया था ये वाला। इसके साथ ये इयररिंग्स, ये वाला है बीट्स। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, टर्कोइज कलर। ये मैंने पूना से परचेज किया था। एंड द लास्ट वन ये है, और एक बीट्स वाला नेक पीस, इसमें फ्लावर लगा हुआ है। मैं पहन के दिखाती हूँ इसे, ये देखिए ग्रे कलर है, ग्रे कलर का बीट्स है। ये वाला देखिए, इसमें छोटे छोटे कॉइन्स लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये धागे का चोटी बना के इसे ऐसे भी पहन सकते हैं, या इसे ऐसा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ इयररिंग्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये कलेक्शन देख के, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पता नहीं कब सब कुछ नॉर्मल होगा और कब हम लोग बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे और ये सब ज्वेलरी हम लोग का यूज़ होगा। होप फॉर द बेस्ट, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, stay strong and stay at home.